What are we going to talk about today? Yeah, what have you decided about? Nee, you start the conversation, then I will join in that to you. तो ऐसा मेरा तो कुछ ये नहीं है. आई एम गोइंग थ्रू योर वीडियोस, योर यूट्यूब वीडियोस वगैरह के ऑन हैप्पीनेस, ऑन स्ट्रेस. और हमारी कंपनी भी हमें धीरे धीरे लाइक एक कोई मेंटल उसके ऊपर एक और वेबिनार अटेंड किया था कंपनी का. कंपनी अच्छा अरेंज कर रही है थ्रू साइकेट्रिस्ट एंड ऑल दैट सम वेबिनार्स ऑन मेंटल हेल्थ. राइट फोकस इज ऑन मेंटल हेल्थ. ओके तो इट इज अ सीरियस इशू वेयर सम पीपल डू नॉट टेक इट सो सीरियसली. तो हमें वो एक दो डॉक्टर्स के भी वो, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू योर यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो ऑन मेंटल हेल्थ एंड थिंग्स लाइक दैट. राइट सो इट इज अ सीरियस कंसर्न. बट वॉट जो एक डॉक्टर ने भी उसमें बोला ना कि बेसिकली वॉट इट इज दैट, सी एवरी वन परसीव एवरी एक्शन वेरी डिफरेंटली. राइट ओके, सो राइट अ सिचुएशन कम्स, वो ऐसे बता रहा था कि सपोज यू स्लैप फोर पीपल. ओके, ऑल फोर पीपल विल बिहेव वेरी डिफरेंटली टू दैट सिचुएशन. राइट एक जन रोने लगेगा, एक जन शायद वो दूर चले जाएगा, अपने में राइट अपसेट रहेगा, राइट एक जन उल्टा थप्पड़ मारेगा, एक हाँ जन अपने ग्रुप को बुला के पिटवाएगा. राइट सो व्हाट दे आर सेइंग दैट मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव इज दैट एवरीवन परसीव्स एवरी सिचुएशन वेरी डिफरेंटली. यू कैन नॉट जनरलाइज हाउ अ पर्सन विल टेक अ सिचुएशन. तो वो ही वो बोल रहे कि अभी पैंडेमिक जो है, एंजाइटी स्ट्रेस इज वेरी पर्सनल ड्रिवन हाउ अ पर्सन परसीव्स इट. एंड दूसरा एक और पॉइंट जो उसने बोला, विच आई काइंड ऑफ एग्री दैट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. एग्जैक्टली अ पर्सन कैन बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग बट मेंटली वेरी वीक, राइट एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो, वेर अ एग्जैक्टली पर्सन इज फिजिकली वेरी वीक, एकदम पतला है, कुछ नहीं ये कर सकता, बट ही कैन बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड ही कैन टेक द बिगेस्ट ऑफ चैलेंजेस राइट वेरी मेंटली. ट्रू सो एंड द अदर थिंग इज दैट यू कैन, वी कैन ट्राई टू बी एज सोशल, ट्राई टू हैव क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल. एटलीस्ट जो गपशप है और फैमिली में रेगुलर बातचीत रहे, तो जैसे दीज सुसाइडल टेंडेंसीज एंड ऑल व्हाट यू आर सीइंग इन सम केसेस एंड ऑल दैट कैन बी रिड्यूस्ड. राइट तो यू विल बी एबल टू गिव मी सम मोर बेटर इन्फॉर्मेशन एंड थिंग. ये तो मैं खाली जो सुन रहा हूँ इवन योर्स एंड फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस, तो मैं उसपे थोड़ा लाइट डाला था. राइट यू आर प्रिपेयरिंग सम फॉर्मल वीडियोस ऑन दीज थिंग्स, सो इफ यू यू विल बी एबल टू टेल अस के व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्टडी एंड व्हाई दिस बिहेवियर इज देयर अमंग पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट. एग्जैक्टली लाइक सिंस यू हैव बीन मेंशनिंग दैट आदित्य दैट यू हैव सीन कपल ऑफ वीडियोस ऑलरेडी ऑफ माइन सो उसमें हम ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं एंड इसी चीज़ पे ज़्यादा उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं सबको कि जैसे आपने बोला फिजिकल एंड मेंटल इज टोटली डिफरेंट दी आर टू डिफरेंट थिंग्स टोटली सो वी स्टिल आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द फैक्ट दैट फिजिकल हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं मस्कुलर पावर हो गई या फिजिकल फिटनेस हो गई हमारी देन वी हैव करेक्ट. मेंटल तो हम जब मेंटल बोलते हैं तो वी थिंक दैट मेंटल हैज गॉट समथिंग टू डू विद द ब्रेन राइट नाउ ब्रेन इज समथिंग विच इज अगेन पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अगेन फिजिकल यू सी दैट इज वेयर वी गेट राइट. स्टक सो फ्रॉम फिजिकल टू अगेन वी गोइंग इन टू फिजिकल सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट द माइंड इज सेपरेट एंड बॉडी इज सेपरेट राइट वन इज फिजिकल एंड वन इज नॉन फिजिकल वी एक्सेप्ट दैट है ना हम ये नहीं कभी नहीं सुना है राइट. हमने कि माइंड को वी कैन डिस्ट्रॉय और वी कैन यू नो वी कैन बर्न इट और वी कैन किल इट और वी कैन मर्डर इट बट द बॉडी कैन बी किल्ड और द बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड सो दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाउंडेशन जब तक हम नहीं समझेंगे टिल दैट टाइम वील बी गोइंग राउंड एंड राउंड इन टू सर्कल्स गोल गोल घूमते रहेंगे हम लोग सो वी हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिकल एस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दैट्स वॉट स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट द एक्चुअलिटी ऑफ द स्पिरिट दैट वी आर एक्चुअली सो वेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस
वी नो दैट फिजिकली हम कुछ उठा सकते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रेस. वी हैव लर्नड इट इन मर्चेंट नेवी ऑल्सो. स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट, राइट? रेजिलियंस एंड ऑल सब सारी चीजें. सो दैट हैज गॉट समथिंग टू डू विद व्हाट इज कमिंग ऑन टू यू एंड हाउ मच ऑफ रेजिलियंस डू यू हैव, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू मेंटल, कैन वी पुट इट क्वांटिफाई इनटू एनी काइंड ऑफ टर्म्स? कैन वी पुट इट इनटू वेट मेंटली? नहीं कर सकते हैं, राइट? वेयर एज फिजिकली के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्वांटिफाई इनटू सम काइंड ऑफ वेट, कि हाँ इतना वेट डाला तो इतना उसका स्ट्रेन एंड स्ट्रेस हुआ एंड वो उतने में टूट गया वो, राइट? बट मेंटली वी हैव नॉट बीन एबल टू क्वांटिफाई इट. वी डोंट हैव एनी फॉर्म ऑफ मेजर, बी इट हाइट, बी इट वेट, बी इट एनी काइंड ऑफ अदर मेजरमेंट. डू यू एग्री विद मी? यस यस टोटली राइट. दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटालिटी, वी आर नॉट डीलिंग विद द साइज ऑफ द ब्रेन, because we cannot quantify mind. Yes. Even though science tries to quantify it on the basis of weight of the brain or size of the brain, left hemisphere, right hemisphere, left is logical or creative, or right is logical or creative. They try to quantify on the left and the right, right? But we can't find answers into this also, because again, we're going into the physical aspects. Unquantifiable. We are going to a realm which is totally unquantifiable. So then comes only two choices. One is the body and one is the soul, which is the spirit. So answers, they lie in spirituality. Correct. So body ko to hum dekh liye, body mein bahut research kar li humne, physicality mein bhi research kar li. We are trying to find out ki stress kyun hota hai. Hum depression claim medicines bhi nikal rahe hain aajkal, lekin depression badhta ja raha hai. Do you agree with me? Right. Hai na? अशांति बढ़ती जा रही है, चाहे जितनी दवाइयां निकल रही हैं, अशांति बढ़ती जा रही है. दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम फिजिकल मेडिसिन्स और फिजिकल एलिमेंट्स और फिजिकल वेज ऑफ सॉल्विंग डिप्रेशन एंड मेंटल इश्यूज टुवर्ड्स स्पिरिचुअल वेज. दे आर ट्राइंग टू कम टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. सो इफ वी आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई द माइंड, दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द आंसर्स इन टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल दीज इश्यूज, वेदर इट्स डिप्रेशन, whether it's suicide case, whether it's relationship issues. Correct. Right? For giving you an example, relationship issues mein le lo agar aap. Can any amount of gifts or any amount of money mend a relationship? No. It cannot, right? So, how can we satisfy the spirit, the soul within? That means we are not able to satisfy the other person who's a soul by giving them physical gifts. So we are dealing with not the brain, we are dealing with not the physical human being over there, but we are dealing with just the being over there. That is the spirit, that is the soul within. So that's why we say relationships are made between souls. So we talk about soulmates. Now, a soulmate doesn't necessarily mean a husband and wife or a girlfriend, boyfriend only. Parents and child can also be soulmates. It's a soul-to-soul right. connection. It has got nothing to do with any physical connection. That's why we never say body mates, right? So, when we talk about soulmates, how do I connect to the soul? How do I get in touch with the soul? What is a soul? Physically, toh humne gifts de diye, humne... physical comforts they give auron ko. Like parents also, they do the maximum to give comforts to a child. Bachpan se lekar ke, kapde se lekar ke, khane se lekar ke, ghar lekar ke, khilone lekar ke, padhai lekar ke, everything they're taking care of. Right? But still sometimes what happens is that the child becomes physically very strong. Physically he's got everything. But when it comes to facing the world, he might have a lot of money, he might have a lot of wealth. But when it comes to relationships, he's having problems or she's having problems. So similarly, a woman might be very beautiful looking, but she has got a lot of issues in her relationships. Why all that is happening? Because we are trying to connect on a superficial and on an outwardly basis, physical basis. And we portray ourselves also only on the physical basis. हमारी जो इज्जत है, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, राइट? और हम क्या कमाते हैं, क्या नहीं कमाते हैं, ओनली दैट इज द पैकेज विच वी शो एज अ रिज्यूमे टू पीपल अराउंड अस. व्हेन वी वॉक अराउंड एंड मूव अराउंड,
मेकिंग रिलेशनशिप्स. इमेजिन आदि, व्हेनेवर यू मीट अ न्यू पर्सन, जनरली क्या बात होती है, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो. जैसे ही आप करते क्या हो आता है, उसमें स्ट्रेस दोनों को होना शुरू हो जाता है. ए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप कमाते कितना हो, यार अदर पर्सन इज गोइंग टू साइज यू अप एज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर यू अर्निंग एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू हैव और व्हाट काइंड ऑफ कार आर यू मूविंग इन. सो वी साइज अप ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ राइट फिजिकैलिटी एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर स्ट्रेस टुडे. दैट इज द मेन रीजन फॉर सुसाइड टुडे. दैट इज द मेन रीजन फॉर डिप्रेशन. समबडी डजंट सुसाइड अंटिल अनलेस दैट पर्सन गोज इन टू डिप्रेशन. एंड डिप्रेशन तब तक नहीं होता है जब तक किसी को लो एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है. और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम तब तक नहीं होता है जब तक कोई इंसान अपने आप को ऑन द ओनली ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स कंपेयर एंड कंपीट नहीं करता है सोसाइटी में. सो हाउ डू वी राइट शिफ्ट आर सेल्स फ्रॉम कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग आर सेल्स ऑन दिस फिजिकल बेसिस एंड नलीफाई इट कंप्लीटली एंड मूव टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल बींग. दैट मीन्स मेरी फाउंडेशन इन सारी फिजिकल चीजों पे ना हो एनी मोर. दे शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग विच इज द ट्रू एसेंस ऑफ मी, हु एक्चुअली एम आई विदाउट ऑल दीज फिजिकल एट्रीब्यूट्स. दैट मीन्स मेरा माइंड अलग है और मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मेरी बॉडी, ब्यूटी, हैंडसमनेस, कपड़े, गहने, घर, ये सारी चीजें अलग हैं. आर यू विद मी? करेक्ट, सो वी हैव टू सेपरेट दीज यस टू थिंग्स यस आउट. सो इफ वी डोंट सेपरेट दीज टू थिंग्स आउट, वी मिक्स देम अप. एंड स्पिरिचुअलिटी बोलती है, बेसिक चीज बोलती है दैट द ब्रेन डजेंट थिंक. स्पिरिचुअलिटी सेज दैट द सोल डज द थिंकिंग. साइंस सेज दैट द ब्रेन डज द थिंकिंग. सी द टू ऑपोजिट वेज. सो वॉट इज द बेनिफिट इफ द सोल डज द थिंकिंग एंड वॉट इज द बेनिफिट ऑफ थिंकिंग दैट आई एम अ सोल हुज इन दिस बॉडी डूइंग ऑल द वर्क विच वी से इन स्पिरिचुअलिटी एज कर्मा. सो कर्म किसने किया? कर्मा हैज बीन डन बाय द सोल, नॉट बाय द बॉडी, बट वाया द बॉडी. सो इज इन देयर अ बिग डिफरेंस? यस सो जस्ट लाइक समबडी हुज प्लेइंग अ गिटार एंड द गिटार. सो द वन हुज प्लेइंग द गिटार इज डिफरेंट एंड द वन हुज द गिटार, वॉट इज द गिटार इज डिफरेंट. वन इज अ थिंग एंड वन इज अ बींग. सो हियर द सोल इज द वन हुज करेक्ट प्लेइंग द बॉडी. दैट मीन्स हुज यूजिंग द बॉडी, हुज एक्टिंग ऑन द बॉडी. एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, द गिटार. डज द गिटार हैव एनी वैल्यू विदाउट द पर्सन प्लेइंग इट? वहीं पड़ा रहे, कोई वैल्यू होगी उसकी? वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है. सो आत्मा के बिना भी शरीर की कोई वैल्यू है? आत्मा निकल जाए शरीर से तो? राइट. सो नाउ इफ आई एम अ सोल, लेट्स स्टार्ट रिमूविंग द स्ट्रेस, लेट्स स्टार्ट रिमूविंग ऑल द डिसफंक्शनल वेज ऑफ थिंकिंग. इफ आई एम अ सोल देन मेन एंड वुमेन आर इक्वल. राइट इफ आई एम अ बॉडी, इफ आई एम अ मैन, इफ आई एम अ वुमेन, इफ आई एम कॉन्शियस ऑफ बींग अ मैन एंड अ वुमेन, देन वहीं पे टकराव आना शुरू होता है, वहीं पे फेमिनिज्म आ जाता है, वहीं पर आपका मैस्कुलिनिटी के बारे में आ जाता है सब कुछ, वहीं पे भेदभाव होना शुरू हो जाता है. राइट सो बचपन से हमें सिखाया हुआ है वुमेन आर लाइक दिस, मैन आर लाइक दिस. बट देन इफ वी कंसिडर आर सेल्स टू बी अ सोल, देन ईच सोल इज लुकिंग फॉर लव, पीस एंड हैप्पीनेस. राइट? वी आर लुकिंग फॉर द करेक्ट सेम थिंग्स, लव, पीस, हैप्पीनेस. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, पीस एंड हैप्पीनेस, एंड इफ दीज थ्री थिंग्स आर विदाउट एनी जेंडर, दे आर जेंडरलेस. लव इज जेंडरलेस, पीस इज जेंडरलेस, हैप्पीनेस इज जेंडरलेस. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट काइंड ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजिकल लुक्स यू हैव, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लव, पीस एंड हैप्पीनेस. सो हु इज लुकिंग फॉर इट? सोल इट इज अ सोल हु इज लुकिंग फॉर इट, नॉट द बॉडी. नॉट अ व्हाइट स्किन पर्सन, नॉट अ डार्क स्किन पर्सन, नॉट अ फीमेल, नॉट अ मेल, नॉट अ हिंदू, नॉट अ मुस्लिम, नॉट अ सिख, नॉट अ ईसाई, नीदर एन अमेरिकन, नॉर एन ऑस्ट्रेलियन, नॉर एन इंडियन, नॉर एन अफ्रीकन. नो. सो वी आर ऑल बिलियंस ऑफ सोल्स इन आर ओन फिजिकल बॉडीज विच वी हैव अटेन थ्रू बर्थ.
And we are sitting right over here, the center of our forehead, because in India we put a tikka or a bindi over here for that reason, because the soul resides over here. So, यहाँ पर बैठ करके we souls are using this complete body to enact an act. We are doing karma, but what kind of karma are we doing depends upon whether we are conscious bodily or we are conscious soul consciously. So if I am bodily conscious that I am very strong physically, I am good looking or I am beautiful looking, then I'll have an ego. So ego brings about stress, by the way. Do you know that? Ho sakta. Yes. Why? Because let's go into depth of this. Why does ego bring about stress? Because ego is something which puts us into a pedestal in our own mind, which might not be true because people might not like to feel lower than you. Right. No soul, because if we are all souls, then no soul would like to know that I am lesser than you or higher than you. किसी को पसंद आएगा किसी को नीचे दिखाना? Right? We know that feeling. Nobody likes to be shown that you are lesser than them or you are worthless than them. So when we are focusing on our physical attributes or physical looks or physical attainments, and when we put ourselves, while introducing ourselves to other people, when they ask us what do you do, and we start boasting about I've got this, I'm this, I'm this, I'm that. So for some time, वो नशा चढ़ता है, अच्छा लगता है, because ego boost होती है. But that actually is affecting us a lot because it is not a long-term platform. Because looks will go tomorrow. Money can immediately go tomorrow, right? This is the present scenario, lockdown में देखो आप. How many people have lost their jobs? Right? How many people have become penniless? So, अगर इसी फाउंडेशन को अगर हमने बना के रखा था कि हमारी लुक्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा खजाना है, हमारे घर हैं, इफ दिस वॉज द फाउंडेशन फॉर आर वैल्यू एंड नॉट एज अ सोल व्हाट काइंड ऑफ बीइंग वी आर, देन ये फाउंडेशन आज शेकन अप हो चुकी है बहुत लोगों की. एंड दैट्स द रीजन वाई मेनी पीपल आर गोइंग टू डिप्रेशन, बिकॉज नो लॉन्गर एनीबडी इज गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू द लुक्स और द मनी. आज किसकी वैल्यू? आज पैसे की कोई वैल्यू रह गई है? With coronavirus around us, does anybody have any value for this? आज हर कोई बराबर हो गया है. गरीब भी आज घर के अंदर है, अमीर भी आज घर के अंदर है. Right. So now this is a situation which is questioning us that now what should be our foundation? Should it be humility? Should it be loving? Should it be care? Should it be egolessness? Or should it be all these physical things which we were egoistic about or proud about? Because these things are shaken up, that's why people are going into depression and even suicide. So, right. Aditya, what is going to go longer? Is humility going to go longer or ego is going to go longer on outer aspects, bodily aspects? Question is that. Humility and this thing only will go in the long way. Exactly. For mankind. Right, because that is something which is not based on any of the physical outside attributes. Humility is not based on my looks. Humility is not based on my money. Humility is not based on the kind of house I live in. And in fact, if a person is humble, my next episode is actually going to come about the chakras over here. I'm going to talk about the chakras also. If a person is humble, his digestive system and his immune system is indirectly or directly very high. Because a person with money and fame and name is suddenly down now. So their immunity also goes down because the happiness goes down. So once the happiness goes down, automatically your immunity goes down and you are attacked by the virus. Because your immunity is low, you're not happy. Your ego is no longer helping you out or playing for your own benefit or whatsoever you were thinking you were. And I would like to say one of the reasons why bigger cities are having these kind of issues is because bigger cities have got people who are very much after body conscious things and their own value is based on body conscious things. A lot. So their own value is based on money, post and position. So that's why
when it is shaken up, that post and position, the immunity level, the happiness is going down. It's affecting the digestive system. And when it affects the digestive system, automatically health of the mind, of the thoughts based on ego is lesser as compared to health of the mind or the thoughts based on humility. So a humble person is more powerful, has a more powerful immunity than a person with ego. So we call it in spirituality, we say it's a soul conscious person is a humble person. Body conscious person, based on outer aspects of life and attainments, is an egoistic person, has got lesser immunity, and humble person has got more immunity. So see, this is where it already decides that why would a person go into depression and suicide, whereas a humble person will not go into depression and suicide. True. He'll have more power to face situations. A humble person will accept situations quickly, whereas a person whose ego was deciding his value or self-respect or self-confidence, which has been shaken up in these outwardly situations, will be somebody who will be shaken up quickly. So spirituality teaches us to do a practice of meditation in which we divert our mind from body consciousness towards soul consciousness. So how much of soul consciousness do I remain throughout the day? Because you see, our health fluctuates on a daily basis, isn't it? Kisi din body ek hota hai, kisi din zukham lag jata hai, kisi din you're feeling very fresh and all. And if you think about it, ego is just one aspect of it. Obviously, your food habits also decide how your body feels. But then it is a complete combination of your mental and your physical aspects. So, sirf khana nahi, but your thoughts also decide your health. Totally. So, are you getting me? What we were talking about right now? Why people are suiciding? Why people are going to depression? Totally. नहीं वो तो व्हाट यू सेड नाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट दैट मटेरियलिस्टिक पीपल आर मोर अनहैप्पी एंड दिस देन पीपल हु आर कंटेंट विद लाइफ एंड आर फोकस्ड के आर मेंटल वेलबीइंग एंड हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस रखना देन मटेरियल थिंग्स दोस पीपल आर मोर हैप्पियर एंड आई बिलीव लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ वुड बी ऑल्सो मोर फॉर देम एग्जैक्टली. And even if, like you said, it is important for us to be in touch with people so that, you know, the suicide rate goes down. Now imagine, if you are body conscious, not soul conscious, but body conscious. So if you are going to connect to people, on what basis are you going to connect to people? What are you going to talk about throughout the day? If you're body conscious, you only talk about the worldly things, right? Right. You'll talk about comparison, control, anger. You'll show all these kind of negative traits. Because that is what makes us feel powerful if we put the other person down or if we feel higher than the other person. So even in communication, when we are making with other people, we are making new friends, or even in the family also, if there's a communication. Now, since all husband, wife, brother, father, sister, everybody is there in the house itself. So when any communication is also happening, it is based on body conscious ways, mostly in majority of the places, 95% places, 95% homes. Like recently, one of my friends from Delhi, she was telling me that people are going into depression for one more reason. Her neighbor, she comes up to her and she says, she dresses up nicely. Pura makeup laga ke sab kuch karke aati hai. There's no need to do all that, right? She dresses up completely, makeup laga, and she comes to the house and she tries to say, let's meet up, I'm feeling bored, I'm feeling depressed right now, I don't know what to do. But when I put up makeup, I feel better. When I put up, I wear clothes, I feel better. Now, it is again based on outer things for my happiness. Isn't it? Correct. So, that is the condition of people. In Delhi, some people are not able to stay within the lockdown. Because they're losing patience, because their value is dependent upon meeting other people outside.
their self-love or their self-respect is dependent upon people commenting them on their outer bodily values, whether they are good looking, not good looking, whether they've attained something financially or they've got good clothes or something. So when we are craving for these things, and this is what is going to be spoken about even in family members or even in between friends, and ego is going to be boosted, do you think peace is going to come or humility is going to come in that person's life? Never. So even while spending time with people, people are still lonely. आज अच्छे घर के लोग सुसाइड कर रहे हैं इवन दो दे आर स्टेइंग टुगेदर. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यू हैव मनी, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्रेंड्स, राइट, यू आर डूइंग वेल एंड स्टिल सुसाइड्स आर हैपनिंग. किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट मार दिया ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक्स और व्हाट यू आर वेयरिंग और व्हाट यू आर एज अ पर्सन, एंड देन यू आर टोटली डाउन टू सच अ लेवल दैट यू डोंट हैव एनी पावर टू एक्सेप्ट इट, टू टॉलरेट अदर पीपल्स कमेंट, टू नलिफाई इट, टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द कमेंट, टू बी कनेक्टेड टू योर ओन रियल ट्रू कोर वैल्यू एज अ सोल. And these comments, they shake you up and you go towards suicide, even if you belong to a good family. Correct. So is there any logic in that? We don't find any logic in that, right? So it only goes to show that materialistic people are more unhappy and more problems for them, depression and other things, more than prone. People who are less materialistic. More prone to it. But spirituality doesn't say that you shouldn't have materialistic thoughts or visions. Spirituality talks about balance. It says, I can have money, but I can be detached regarding my self-respect and value with the money I have. So that means if I want praise and if I want name and fame from people based upon my looks or the money which I have, then it is again dependent upon outwardly scenarios. Till the time name and fame is coming to me, people are praising me, I'm happy. And suddenly if they don't praise me or if they don't respect me anymore, I'm unhappy. That means, is my mind in my control or is my mind in other people's control? So, will you give your bank account to 10 people to control it? Will you ever do that, Aditya? No. 10 लोगों को bank account दे दिया, भैया आप जैसे चलाना चलाओ. Never. We'll keep that bank account so precious, so close to ourselves. We'll keep the password so safe. We'll keep it intact. We'll not show it to anybody. ATM card का password भी हम छुपा के रखते हैं, right? But when it comes to our self-value and self-respect, we always like, भैया आप use कर लो मेरे mind को. मेरा mind is an open bank account. आप उसके अंदर जो डालना चाहते हो डाल दो. आप अच्छे thoughts डालना चाहते हो डाल दो. अच्छा बोलना चाहते हो बोल दो. बुरा बोलना चाहते हो बोल दो. So we have become so body conscious that we have not allowed people to see anything when it comes to financially, which is again bodily aspects. But when it comes to our mind, we have allowed people, given them an open right, open passage for people to say anything, deposit anything in our mind, say anything in our mind and deposit anything in our mind, and us mind rupee bank ko loot ke le ja sakte hain wo log. Mind ki khushi ko wo loot sakte hain wo log. So it's just like allowing somebody to, you know, get into your bank and withdraw any amount of money. So the khushi which we have throughout the day, and somebody comes over and that person just steals away all the happiness by just one deposit of a negative comment. Imagine how strong we are. Right. So spirituality says that you can be financially strong. It doesn't mean that you have to be, you know, poor to be spiritual. Spirituality means you can be financially strong,
But at the same time, you can be detached from that money and not base your value or respect on that money, so that when a person comments on or asks you how much do you earn or what do you own, it doesn't bother you. And you don't have to portray yourself on a financial basis or boast about your finances so as to get that love or respect from that person, or even to make friends with that person. लाइक इन अ कम्युनिटी होता है ना कि जो अमीर लोग होते हैं अमीर लोग के साथ में जाते हैं, या एक टाइप के जो फैशन करने वाले तो फैशन वालों के साथ में जाते हैं, या एक टाइप के खाना खान पीन करने वाले एक साइड जाते हैं, जो क्लबिंग करते हैं जिनके पास बहुत पैसा फेंक सकते हैं वो एक ही साथ में जाते हैं, राइट? सो देयर इज अ ग्रुपिज्म व्हिच इज गोइंग ऑन. सो नाउ व्हिच ग्रुप डू आई वांट टू बिलोंग टू? That depends. We have to make those choices. Yes, and that depends upon from what is the source of my love and self-respect. From which category of people am I asking for or wanting that love and self-respect? Because whenever we're making relationships, whenever we're making friendships, obviously there's an exchange of energy and we are expecting people to respect us or love us or appreciate us, right? What if I become somebody who appreciates others instead of asking for appreciation? Correct. That is spiritual strength. But when I'm giving appreciation, Aditya, I don't give them appreciation on the basis of their looks or their money or the clothes which they're wearing. I don't boost their ego, a false kind of ego, that later on I put them into a state of depression when they don't get it anymore from me. That's what happens in relationships also. True. Right? Even between husband and wife. Or between girlfriend and boyfriend. Suddenly a breakup happens or suddenly a divorce happens. And then a person is actually craving for that love or attention or appreciation. So again, we are dependent upon the person outside. Whereas spirituality says that you praise yourself. You love yourself so much so that even if the other person stops giving you appreciation, stops giving you love anymore, stops contacting you, stops saying sweet things to you, it doesn't shake you up. And people who get shaken up, they go into suicide, depression and other things. Because we are again dependent upon the other person outside to love us, to appreciate us. And that appreciation is a limited appreciation, a body conscious appreciation. Tum acche dikhte ho, achhi dikhti ho, achha पहनती हो, अच्छा करते हो, ये करते हो, व्हाटएवर इट इज. सो व्हेनेवर आई एम मेकिंग फ्रेंड्स, एम आई अ पर्सन हु इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स सो दैट आई मेक फ्रेंड्स? यू सी, एम आई गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू द पर्सन ऑन द काइंड ऑफ क्लोज और शूज दैट पर्सन इज वेयरिंग सो दैट आई कैन मेक फ्रेंड्स? बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू मेक फ्रेंड्स विद अ पर्सन हु इज टेकिंग दोस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, then that person is going to give me those kind of compliments back. जो हम कर्म के अनुसार जो भेजते हैं वही तो वापस आता है ना. So then my respect is also going to be based upon those aspects. Correct. My love is also going to be based upon those aspects of what people think and what people say. Correct. So is that true friendship? Question is that. Correct. So that's it. I think we can discuss about and talk about these things more in detail later on. True. It is quite eye-opening, and me personally is also analyzing a lot of things in those aspects that materialistic world is not taking us anywhere. Mm-hmm. So mera personal bhi ye viewpoint hai, and beautiful. I'm hearing to your YouTube videos. I'm other also mental well-being ke upar kuch aata hai hamari company se bhi, to I right. hear to that. Right. I'm taking interest in these things. Beautiful. Ke we have to be mentally strong and we have to decide ke what gives us happiness, and wo jo bolte na false world mein nahi jeena hai. You have to right. be in the true sense ke yaar. And be natural as possible. When we are trying to pretend somebody we are not, that is creating problems.
एग्जैक्टली सो वी नाउ वी नो व्हाट क्या व्हाट वी आर फॉल्स नॉट. किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो चीज से प्रॉब्लम हो रही है दुनिया में. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं लोग, तो ये सब चीज से एंड यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर योरसेल्फ आल्सो एंड फॉर अदर पीपल अराउंड. एग्जैक्टली सो आई टोटली एग्री विद यू एंड वी विल कंटिन्यू दिस. आई विल कंटिन्यू टू फॉलो अप विद योर वीडियोस एंड ऑल as sure. much as possible, time permits. Sure. And we should be connected in future also. Sure. We can talk about what you said right now, backbiting also. That's a wonderful topic which we can talk about. And what does it do to us on a spiritual basis? And how does it lower down our own energies and our own happiness? So we can have this once in a while, future maybe hum log कनेक्ट कर लेंगे जूम कॉल पे और ये चीज पे. और इफ यू आर हैविंग थ्रू योर टीचिंग्स आई विल फॉलो अप ऑन दिस ऑन योर चैनल एंड आई विल फॉलो अप ऑन द वीडियोस. श्योरली दैट विल बी ब्यूटीफुल टू. एंड सल्यूट टू यू ऑन दिस थिंग दैट यू हैव टेकन अप. रियली अप्रिशिएटेड मतलब दैट यू हैव टेकन अप अ नोबल थिंग ऑफ गाइडिंग गिविंग द गाइडिंग लाइट टू पीपल. आई रियली अप्रिशिएटेड. Thanks a lot. Continue with the good work. It's all because of the spiritual learning which I'm taking from an institution known as Brahma Kumaris. You must be knowing about it. So all this knowledge is coming. Yeah, I've from, heard about it. Yeah, it's all I've coming from Brahma Kumaris, and that's the foundation of my knowledge. It's not my own knowledge, because even I didn't have this kind of way of thinking earlier. Even I didn't have this kind of guidance or direction earlier. It is through Brahma Kumaris, through the higher source or the higher power which is coming, or you can say God or Allah or Jehovah or Shiva. It's all coming from there, from a higher calling. So Aditya, I'll just put this recording on a. Thanks a lot for coming in and for attending the call. And No, thanks yaar. I appreciate your time ke hum log you took out time separately from your busy schedule aur hum log 1-to-1 aise video call pe mile. I enjoyed this thing thoroughly and I am agreeing to your points. Matlab kya hai ki I am also moving in this direction ki yaar materialistic world kuch ho raha nahi hai. Right. Spirituality is the support system of the world. Exactly. I agree with you on this thing. Exactly. So that's lovely. And spirituality also has got many branches today. Now, which is the right kind of spirituality? We'll talk about that also very soon. That Definitely. Is it a person-based spirituality? Definitely. That means a person should be the person who should be focused upon, or it is somebody who is beyond a person, somebody who connects us to somebody beyond us. So we'll talk about it later on. Theek hai. Theek hai, Adi?